हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो DFCCIL की जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट आ रही थी उसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट थे, तो वो डाउट पूरा करने के लिए मैंने एक नया सेशन बना रखा है। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग मोबाइल से अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे थे लेकिन उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी उनको, जो कि ये ऑप्शन है ये उनको शो नहीं कर पा रहा था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको मोबाइल से कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, पूरे रजिस्ट्रेशन से प्रिंट आउट पर मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो आप ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, कि एक भी स्टेप मिस हुआ तो आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो सकती है। तो बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसकी जो DFCCIL की जो एप्लीकेशन स्टार्ट जो फॉर्म भरने 24 तारीख से स्टार्ट हो गए थे और इसकी लास्ट डेट ये 23 मई इसी महीने मई में है। और इसकी जो एग्ज़ाम जो फीस डेट रहेगी ये भी 23 रहेगी। और इसका जो एग्ज़ाम डेट इन्होंने डाली है जून 2021, और एडमिट कार्ड भी इनके जून में आएंगे। और जो जूनियर मैनेजर में 1,000 फीस लगेगी और जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट में 900 फीस लगेगी, और जूनियर एग्जीक्यूटिव में 700 की फीस लगेगी। और जो ये और जो SC के कैटेगरी में उनकी कोई भी फीस नहीं है। और ये जो पेमेंट होगा आपका ऑनलाइन के थ्रू होगा, ठीक है। तो और बढ़ते में इसके जो एज लिमिट मैं आपको बता दूँ, इसकी जो मिनिमम एज रहेगी वो 18 ईयर रहेगी और मैक्सिमम एज 30 ईयर रहेगी फॉर अदर पोस्ट, ठीक है। और जो मैक्सिमम एज जो एक जूनियर मैनेजर की जो पोस्ट है, जूनियर मैनेजर वाली पोस्ट में जो मैक्सिमम एज आपकी 27 ईयर रखी गई है। और तो अब बढ़ते हैं अगली जो इनके जो पोस्ट आ रही थी उनके बारे में मैं आपको बता दूं। जो जो जूनियर मैनेजर में 31 पोस्ट थी, इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई थी सिविल इंजीनियरिंग में, वो भी 60% होनी चाहिए थी आपकी। और जो जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD की थी, इसमें 77 पोस्ट थी, इसमें MBA PG DBA और जो अदर क्वालिफिकेशन ये मांगी थी उसमें 60% मार्क्स आपके होने चाहिए थे। और जो जूनियर मैनेजर मैकेनिकल में थे, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 3 थी, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए थी। और जो अगली पोस्ट है, अगली पोस्ट आ रही थी, इसमें पोस्ट एग्जीक्यूटिव सिविल की, इसमें 73 पोस्ट थी। और इसमें जो सिविल इंजीनियरिंग या सिविल जो सिविल इंजीनियरिंग वाले जितने भी स्टूडेंट 3 ईयर का जो सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स होता है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो अगली पोस्ट थी एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में, इसमें इलेक्ट्रिकल में आपका डिप्लोमा होना चाहिए था 3 ईयर का। और अगली पोस्ट है एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन, तो इसमें 87 पोस्ट थी, इसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया था। और जो अगली पोस्ट थी एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD, इसमें 237 पोस्ट थी, इसमें जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए थी आपकी, बैचलर डिग्री कोई भी होनी चाहिए और उसमें लेकिन 60% मार्क्स आपके होने चाहिए थे। और जो अगली पोस्ट है एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की, इसमें 3 पोस्ट हैं और इसमें आपकी 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल होना चाहिए था। और अगली पोस्ट में बढ़ते हैं, अगली पोस्ट आई थी जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की, इसमें 135 वैकेंसी थी, इसमें जो क्लास 10 में हाई स्कूल में आपकी 60% मार्क्स मांगे गए थे विथ मतलब आपके 2 ईयर का अप्रेंटिस भी होना चाहिए था। और अगली पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन, इसमें 147 पोस्ट थी, इसमें 10th क्लास में 60% मार्क रखा था विथ इसमें 2 ईयर अप्रेंटिस मांगा गया है। और जो अगली पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD, इसमें कि इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 225 थी, इसमें आपकी बैचलर डिग्री मांगी गई है और 10th हाई स्कूल में 60% मार्क्स मांगे गए हैं एंड 2 ईयर अप्रेंटिस से भी मांगे गए हैं जो ये जूनियर एग्जीक्यूटिव में है। और अगली पोस्ट है इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में, तो इसमें 14 वैकेंसी आई थी और इसमें आपके 10th क्लास में 60% मार्क्स और 2 ईयर का अप्रेंटिस होना चाहिए था, IIT इन फिटर या इलेक्ट्रिशियन या मोटर मैकेनिकल में, ठीक हो गया। तो अब इसका जो फॉर्म आपको कैसे भरना है और जितनी भी दिक्कत आ रही है तो मैं स्टेप बाई स्टेप आपको बताऊंगा। तो चलते हैं। तो मैं DFCCIL की जो ऑफिशियल वेबसाइट में आ गया हूँ रजिस्ट्रेशन के पेज में, तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आपको जो सबसे पहले है पोस्ट अप्लाइड, इसमें आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस से चुननी है जिस भी पोस्ट के लिए आपको फॉर्म भरना है। तो इन्हीं सारी पोस्ट हैं, आप किसी भी जो भी पोस्ट है आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से सूटेबल है आप वो पोस्ट भर लीजिए। तो सबसे पहले आपको इसमें अपनी पोस्ट अप्लाइड डालना है, फिर पोस्ट कोड इसमें अपने आप ही आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। इसमें आपको अपना कैंडिडेट नेम डालना है, लेकिन ये ध्यान देना जो अपना 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से अपना नेम डालना, और फिर इसमें आपको मोबाइल नंबर डालना है, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर करना है, और फिर अगले पेज में आपको ईमेल ID और कंफर्म ईमेल ID करके जो लास्ट में आपको ये कैप्चा यहाँ पर फिल कर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और रजिस्ट्रेशन करते ही आपको एक अपने आपके जो ईमेल और मोबाइल नंबर आपने डाल रखा है उसमें आपका
जो यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड आ जाएगा, तो वो यूज़र और आईडी और पासवर्ड आपको नोट कर लेना है। तो चलो मैं आपको ये रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। तो अब आपका रजिस्ट्रेशन जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका ईमेल आईडी में आ गया होगा, वहाँ से आपको कॉपी करके सब इसमें अपना यूज़र आईडी डालना है और इसमें पासवर्ड जो कि आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आ गया होगा वो आपको डालकर आपको इसमें लॉगिन हो जाना है। तो मैं लॉगिन हो जाता हूँ। तो जैसे ही आप इसमें लॉगिन हो जाओगे तो आपको इसमें आपकी जो डिटेल है और ये एप्लीकेशन डिटेल आपकी ये खुल जाएगी। लेकिन आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी, जिन्हें भी जो मोबाइल से रजिस्ट्रेशन ये जो फॉर्म भरे उनको ये दिक्कत आ रही है कि जो ऊपर जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का जो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर आता था वो मोबाइल पर नहीं आ पा रहा है। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको ये मोबाइल से कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, ये मैंने अभी गूगल क्रोम में खोल रखा है। तो आपको क्या करना है, तो आपको प्ले स्टोर में चले जाना है और प्ले स्टोर में जाके आपको यहाँ पर सर्च करना है। पफिन ब्राउज़र, पफिन, ये जैसे आप डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर लिया, तो मैं इसमें ओपन का ऑप्शन आ रखा है। तो आपको ये डाउनलोड करके फिर इसमें अपना जो यूज़र जो लॉगिन करना है। तो दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ पफिन ब्राउज़र में। मैंने ये DFCCIL की ऑफिशियल वेबसाइट में ओपन कर ली है और इसके जो लॉगिन पोर्टल में मैं चले गया हूँ। तो इसमें आपको वही करना है जो अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन हो जाना है। तो मैं लॉगिन हो जाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे आपको आगे की प्रोसेस करनी है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना और ये लॉगिन का जो जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके अपना लॉगिन और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप जैसे ही इसमें लॉगिन हो जाओगे तो आपको फिर आपकी जो एप्लीकेशन डिटेल है इसमें शो कर दी जाएगी नीचे उसमें डिटेल। लेकिन फिर भी आपको जो ये पफिन ब्राउज़र में भी ये प्रॉब्लम आएगी कि आपको जो ऊपर से जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट का जो पॉपअप होता है वो आपको दिखेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको जो 3 डॉट यहाँ पर दिख रहे हैं आपको इसमें क्लिक करना है और फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर जो रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट है इसे ऑन कर लेना है। तो इसे ऑन करते ही आपको देखो ये रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट में ऑन हो चुका है। तो आपको देखना, अब आपको ये एप्लीकेशन जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको आप इसमें क्लिक करना है। ये क्लिक करते ही आपको जो ये एक विंडो आएगा, अब आपको इसको क्लोज करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें अपनी जो डिटेल जो एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर और ये पोस्ट अप्लाइड और पोस्ट कोड आपको ये दिखाई देगा जो भी रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने डाला होगा। आपको सबसे पहले इसमें अपना रजिस्ट्रेशन जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज़ करने हैं और फिर आपको जो अपनी कैटेगरी इसमें सेलेक्ट करनी है और फिर इसमें जेंडर आपको अपना फिल करना है और इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और फिर जो अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो आप इसमें यस करना है या वरना तो नो करना। जो फिजिकली हैंडीकैप है वो 40% होना चाहिए और फिर आपको इसमें क्लिक करना है कि अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो यस करना वरना नो करना। और आर यू रेगुलर DFCCI एम्प्लॉय, अगर आप DFCCIL में अगर एम्प्लॉय है तो आप इसमें यस करो वरना नो करना। और फिर इसमें आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आपको नेक्स्ट पेज में चले जाना है। तो मैं इसे जल्दी से फिलअप कर लेता हूँ। तो अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल में आपको अपना ये जो रजिस्ट्रेशन के वक्त अपना जो नाम हो ये आ जाएगा। उसके बाद जो फादर से नेम है आपको इसमें फिल करना है, मदर से नेम फिल करना है और मैरिड स्टेटस एंड मैरिड हो मैरिड हो ये यहाँ पर टिक करना है और नेशनलिटी इंडियन ही हो गया अभी तो इसमें क्लिक करना है और इसमें आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको शो कराएगा। तो उसके बाद फिर आपको इसमें अपना एड्रेस डालना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है, कंट्री डालनी है और स्टेट सिलेक्ट करके आपको जो अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस और जो कम्युनिकेशन एड्रेस अगर सेम है तो आपको इसमें यस पर क्लिक करना है वरना नो पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना सेव नेक्स्ट पर क्लिक करके आपको अगले पेज में चले जाना है। अब इसमें आपको अपना जो अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भरना है। तो सबसे पहले आपको 10th का जो नेम ऑफ बोर्ड डालना है, ईयर ऑफ पासिंग डालना है और इंस्टीट्यूट नेम डालना है, मार्क परसेंटेज आपको इसमें डालनी है। उसके बाद जो 12th का भरना है इसमें और उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग डालना है 12th का, इंस्टीट्यूट नेम डालना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डालने हैं और फिर आपको अपनी जो परसेंटेज है वो डालनी है। वो
फिर आपको अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन डालनी है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो इसमें आपको क्लिक करके आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन डालनी है और स्पेशलाइजेशन डालना है, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग डालनी है, ईयर ऑफ पासिंग डालना है, और जो इंस्टीट्यूट नेम डालना है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी डालना है, और परसेंटेज, और आपको ये परसेंटेज डालकर फिर आपको इसमें सेवन नेक्स्ट करके आपको आगे पेज में चले जाना है। अब लास्ट में आपको इसमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो सबसे पहले आपको इसमें अपना फोटोग्राफ डालना है, उसके बाद अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और इसमें अपने सेट जो 10th का सर्टिफिकेट डालना है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, और फिर इसमें अपना जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट डालना है, और फिर इसमें कास्ट सर्टिफिकेट अपना अपना डालना है। फिर आपको ये कैप्चा फिलअप करके फिर प्रीव्यू पर क्लिक करना है, फिर प्रीव्यू पर क्लिक करके फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है, फिर आई एग्री पर क्लिक करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है, फिर आपका जो ये फॉर्म होगा इसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है, तो आपका जो ये फॉर्म होगा ये सक्सेसफुली डन हो जाएगा, और आपके जो मेल और मोबाइल नंबर पर आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? ऐसी वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।